नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर एक नवीन टेप सेंक्शन वर्किंग स्टाफिंग रिपोर्ट नेम से प्रारंभ की गई है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको उक्त टेप पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो जानकारी दूंगा और साथ में बताऊंगा कि आपको उक्त टेप पर कार्य कैसे करना है, वो संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं वो चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे और उचित प्रक्रिया के साथ मिलेंगे। तो चलिए साथियों, जो नवीन टैब आया है शाला दर्पण पर सेंक्शन वर्किंग स्टाफिंग रिपोर्ट नेम से, उस पर कार्य करने की प्रक्रिया हम जानते हैं। नवीन टैब की कार्य प्रक्रिया से परिचित होने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने विद्यालय को लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ कई अन्य टैब दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ एक टैब मिलेगा कार्मिक नेम से, तो आपको एक कार्मिक नेम का जो टैब मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ कई अन्य सब टैब खुलकर आएंगे। तो अब आपको यहाँ एक नया टैब मिलेगा जिसे मैं कर्सर के द्वारा आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको मिलने वाला है सेक्शन वर्किंग स्टाफिंग रिपोर्ट नेम से नया टैब। तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आपके पीओ का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, आपके जो पीओ का पूरा नेम है स्कूल का वो आपको यहाँ बताया जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो होगा, ब्लॉक और विलेज, उसके बाद आपके विद्यालय की कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, IFMS कोड क्या है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, आपके विद्यालय में कौन कौन सी स्ट्रीम रन हो रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी, आपके विद्यालय में टोटल इनरोलमेंट कितना है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। अब साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप इन सूचनाओं को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके इन सूचनाओं को प्रिंट भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ नीचे आपको क्लास वाइज एनरोलमेंट बताया जाएगा कि आपका कौन सी क्लास में कितना एनरोलमेंट है, ये आपको यहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी वेतन मदानुसार स्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आपके विद्यालय में सेंक्शन पोस्ट आप कितनी है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी, सेंक्शन सब्जेक्ट क्या है, जो पोस्टें आपको बताई जा रही है उनका आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और यदि आपके यहाँ उन पोस्टों पर वर्किंग कार्मिक कर रहे होंगे तो उनके नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब कौन सी बजट हेड से या कौन से बजट मद से जो कार्मिक कार्यरत है उनका वेतन बनाया जा रहा है वो बजट हेड भी आपको यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद उपमद यदि है तो वो आपको यहाँ बताई जाएगी, और नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ NA देखने को मिलेगा। स्टाफ की ID या प्रोफाइल ID भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जो कार्मिक है जिनका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहां देखने को मिलेगी, कार्मिक का मूल पद आपको यहां बताया जाएगा, कार्मिक का मूल विषय भी आपको यहां डिस्प्ले हो जाएगा, मोबाइल नंबर कार्मिक के आपको यहां डिस्प्ले होंगे और करंट स्टेटस आपको यहां डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आगे जो आपको यहां जानकारी मिलने वाली है, करंट स्कूल ज्वाइनिंग डेट आपको यहां डिस्प्ले हो जाएगी और संबंधित कार्मिक का आपको फोटोग्राफ भी यहां पर डिस्प्ले होगा। तो ये तो हुई साथियों आपके जो विद्यालय में वेतन मद अनुसार स्वीकृत पद और कार्मिक जो कार्यरत है उनकी इन्फॉर्मेशन की बात। अब आप आएंगे नीचे की ओर, तो आपको नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो जानकारी भी मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ नीचे बताया जाएगा विद्यालय में अधिशेष शिक्षक, यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक अधिशेष होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद विद्यालय में अप्रदर्शित शिक्षक कोई होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। अन्य विद्यालय से कार्य मुक्ति पश्चात विद्यालय में कार्य ग्रहण की प्रतीक्षा में यदि कोई शिक्षक है तो ऐसी कंडीशन में उनका नेम और उनकी एम्प्लॉय ID या संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको उनकी यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी विद्यालय में काउंसलिंग द्वारा कार्य ग्रहण प्रतीक्षा में शिक्षक, यदि कोई शिक्षक काउंसलिंग के माध्यम से आपके विद्यालय में
आना होगा और वो प्रतीक्षा में है, उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। हम चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर, तो हमें यहाँ नीचे इंफॉर्मेशन क्या बताई जाएगी आपको यहाँ क्लियर किया गया है। अन्य कार्मिकों का विवरण प्रपत्र 3C 99 पोस्ट, अगर आपके विद्यालय में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी। फिलहाल आपको यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड जैसे मुझे मिल रहा है ऐसा मिलने वाला है, परंतु यदि आपके विद्यालय में होगा कोई कार्मिक ऐसा तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो ये थी साथियों अभी की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही थी कि शाला दर्पण पर नवीन टैब सेंक्शन वर्किंग स्टाफिंग रिपोर्ट नेम से प्रारंभ किया गया है, उस पर क्या क्या सूचनाएं आपको देखने को मिलने वाली है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताई। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ साथियों, आप वीडियो को लाइक करना अंत में भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुँचाइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।